नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भिन्न संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा और भाग चारों को बहुत ही सिंपल तरीके से सीखने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको भिन्न संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा और भाग के सवाल नहीं आते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम सीखेंगे और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हैं तो कभी भी आप इस तरह के सवालों में गलतियां नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे इन सवालों को सॉल्व किया जाता है। जैसे कि हमारा पहला सवाल देखिए, यहां पर हमें क्या करना है, भिन्न का जोड़ सीखना है। ठीक है, तो यहां पर 4/3 और 7/2 को हमें क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो इनको जोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो नीचे वाली संख्याएं होती हैं इनका हमें एलसीएम लेना होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही शानदार तरीका बता रहा हूं, अगर आप उस तरीके से करेंगे तो कभी भी आप इसमें गलतियां नहीं करेंगे। ठीक है, तो नीचे वाले सवालों को अभी हम हटा देते हैं ताकि हमें थोड़ी सी जगह मिल जाए। ठीक है, तो इनको अब हम यहां से थोड़ा सा नीचे खिसका देते हैं। ठीक, चलिए अब देखो इसको हल करने के लिए हमें क्या करना होगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इसका हो जाएगा, फिर आपको इन दोनों का भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, चलिए करते हैं। तो सबसे पहले देखो 4 और 2 का करेंगे कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8, तो यहां पर हमने लिख लिया 8। अब बीच में क्या है, प्लस है, तो प्लस लगा देंगे, ये हमने लगा दिया प्लस। ठीक, चलिए अब इन दोनों का करिए, 7 × 3 कितना हो जाएगा, 21, तो यहां पर हम लिख देंगे 21। ठीक, अब क्या करेंगे, देखो एक लाइन खींचेंगे इस प्रकार से, अब जो नीचे वाली संख्या है ना इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 6। ठीक, अब इसको आप हल कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 21 और 8 कितने हो जाएंगे, 29, यानी कि 29। ठीक है, और बटे में कितना है, 6, तो ये आ गया हमारा 6, और ये जो संख्या है यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो सवाल था ना इसमें क्या था कि नीचे वाली संख्याएं अलग अलग थी, अगर ये दोनों संख्याएं अगर बराबर होती तो देखिए ये सवाल कितना आसान हो जाता। जैसे कि देखो हम ऐसे ही कर लेते हैं, 4/7 ठीक है प्लस 3/7 ठीक है, अगर ये दोनों संख्याएं समान है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली एक लाइन खींचना है और यहां पर कितना है 7, तो 7 को लिख दो और इन दोनों को जोड़ दो, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो 7 से 7 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 1। देखिए कितना सिंपल था। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, जब नीचे वाली संख्या समान नहीं हो तो आपको ऐसे करना है, अब समान हो तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए घटाव का सवाल है, तो जैसे हमने जोड़ किया है सेम वैसे ही आप घटाव भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करो। चलिए करते हैं, 8 × 5 = 40, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो, अगर प्लस है तो प्लस लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया, 3 × 2 कितने हो जाएंगे, 6, तो ये हो गया 6। अब आ जाइए बटे में, अब इनका गुणा करिए, 8 × 3 = 24, तो ये हो गया हमारा क्या, 24। ठीक, अब 40 में से 6 को घटाएंगे क्या बचेंगे भाई, 40 में से 6 चले जाएंगे तो हमारे पास में कितने बचेंगे, 34। ठीक है, 34 बचेंगे। ठीक है, और बटे में कितना है, 24 है, इसको 2 से काट लो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 × 2 = 2 × 4, 12 बार में कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 × 2 = 2 × 7 = 14, तो हमारा आंसर क्या आ गया है, 17/12। ठीक है, 17/12 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर ये समान होता, नीचे मान लीजिए यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर भी अगर 8 होता तो डायरेक्ट हम आंसर क्या लिखते भाई, यहाँ पर 8 है तो एक लाइन खींचते, यहाँ पर 8 लिख देते और 5 में से 2 को हम घटा देते, बस हमारा आंसर आ जाता। कितना होता आंसर, देखो ये हमारा आंसर हो जाता 3/8। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कर सकते थे। ठीक है, चलिए तो आप जोड़ और घटाना तो सीख ही चुके हैं, अब हम यहाँ पर सीखेंगे गुणा और भाग। ठीक है, तो ये हमारा है गुणा और भाग। ठीक, चलिए अब आप जोड़ और घटाना सीखे ना, तो गुणा और भाग आपके देखिए बाएं हाथ का खेल है। देखिए करना क्या है, यहां पर देखिए क्या है 15/4 और यहां पर क्या है 18/5। ठीक है, जब भी हम गुणा के सवालों को करते हैं तो हम ये देखते हैं कि नीचे वाली किसी भी संख्या से अगर ऊपर वाली कोई भी संख्या कट रही है तो सबसे पहले हम उसको काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कट रहा है, देखो 5 से 15 कट जाएगा, 5 × 5 और 5 × 3 = 15। ठीक है, अब 4 से 18 भी कट जाएगा, देखिए 2 × 2 = 4 और 2 = 18। ठीक है, अब जो बचा हुआ है उसको अगली स्टेप में लिखेंगे, तो यहाँ पर बचा हुआ है 3 और यहाँ पर बटे में बचा हुआ है 2, यहाँ पर है गुणा तो गुणा लगा देंगे। अब यहाँ पर देखो क्या है, 9/1।
ठीक है, अब कुछ भी नहीं कट रहा है तो सीधा गुणा करो भाई, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो चलिए कर देते हैं। तो 9 × 3 = 27, तो ये हो गया हमारा 27 और बटे में कितना है 2, तो 27/2 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल था। अब आप गुणा सीख गए तो भाग देखिए आपके बाएं हाथ का खेल है, देखो कैसे करना है। यहाँ पर है 6/7, तो ये हमने लिख दिया 6/7। अब देखो भाग करने में क्या होता है, थोड़ी सी दिक्कत आती है, ठीक है, तो भाग को हम क्या कर देते हैं, गुणा में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर गुणा करना तो हमें आता ही है, ठीक है। तो यहां पर जो भाग है ना, इस चिन्ह को हम गुणा का चिन्ह बना देंगे, ठीक है, तो भाग की जगह हमने लगा दिया गुणा। अब हमने भाग को क्या कर दिया है, उल्टा करके गुणा कर दिया है, तो इसके आगे जो संख्या ये भी क्या हो जाएगी, उलट जाएगी, मतलब कि 3 चला जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे, ठीक है। चलिए अब देखिए कोई संख्या कट रही है क्या, तो देखिए नीचे वाली किसी भी संख्या से अगर ऊपर वाली कोई भी संख्या कट रही है तो उसको काट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारा 3 और बटे में आ गया हमारा 7, फिर गुणा यहाँ पर है 3 और यहाँ पर क्या है बटे में 2, ठीक है। अब कुछ भी नहीं कट रहा है, सीधा गुणा करो, इसका यहाँ पर, ठीक है, तो 3 × 3 = कितना हो जाएगा 9 और बटे में कितना हो जाएगा 7 × 2 = 14, तो हमारा आंसर आ गया 9/14, ठीक है। तो इस प्रकार से भिन्न संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा और भाग किया जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट लगता है, कहीं पर भी आपको समझ में नहीं आया है, तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर से बताइएगा, तो हम उसके ऊपर भी और भी वीडियोस आपको बना देंगे या फिर आपको दूसरी वीडियो प्रोवाइड कर देंगे जिससे आप उसको अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।